जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बीते दिन तकरीबन 8:04 पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई। तकरीबन 25 मिनट बाद 8:26 पर भूकंप का दूसरा झटका एक बार फिर से आया। आफ्टर शॉक की तीव्रता भी तकरीबन 3.8 मापी गई। एक के बाद एक करके दो भूकंप के झटकों की वजह से लोग सहम गए और घरों के बाहर आ गए। दहशत के कारण लोग घरों में जाने को तैयार नहीं हैं। इसके पूर्व 24 मार्च को अंबिकापुर से लगे सोनपुर में 4.1 तीव्रता का भूकंप मापा गया था। उत्तरी छत्तीसगढ़ भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील एरिया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भूकंप के फॉल्ट जोन में है और बीती शाम को तकरीबन 8:04 पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए। भूकंप का जोरदार झटका लगने की वजह से लोग सहम करके घरों से बाहर निकल आए। कुछ देर बाद लोग वापस घरों में लौटे तो भूकंप का दूसरा झटका भी आया था। भूकंप का केंद्र अंबिकापुर से 4 किलोमीटर के दायरे में बताया जा रहा है। रायपुर में आर्ट, लिटरेचर और फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 3 तारीख से होने वाला है, जिसमें देश विदेश की कई फिल्मों का प्रदर्शन होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल भी इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आने वाली हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आर्ट एंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल भी आएंगी। ये फेस्टिवल 3 से 5 सितंबर तक रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में सम्पन्न होगा। इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए देश और विदेश से भी फिल्में आएंगी। इसी के अलावा इस फेस्टिवल के डायरेक्टर कुलार शुक्ला के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सरकार लगातार फिल्म और कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और ये फिल्म फेस्टिवल का लगातार दूसरा साल है। इस बार रायपुर आर्ट, लिटरेचर और फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में मुख्यमंत्री समेत बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस अमीषा पटेल को भी बुलाने वाली है। छत्तीसगढ़ में 48 घंटे के अंतर्गत 191 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। चुनाव आयोग की नाराजगी के बाद आबकारी विभाग का एक्शन जो है निकल कर सामने आ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अवैध शराब रखने और ट्रांसपोर्ट करके बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही हुई है, जहां राज्य के आबकारी विभाग ने चुनाव आयोग की नाराजगी के बाद सख्ती बरती है। इसी के तहत राज्य के तकरीबन राज्य बॉर्डर के एरिया में बीते 48 घंटों के दरमियान 191 व्यक्तियों को अवैध शराब के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 2400 लीटर शराब की जब्ती यहां पर कुल बनाई गई है। छत्तीसगढ़ के आबकारी आयुक्त जनक प्रसाद पाठक के मुताबिक 26 और 27 अगस्त को आबकारी विभाग ने राज्य के बॉर्डर जिलों में यानी 31 जगहों पर चेक पॉइंट लगाया था। यहां से गुजरने वाले वाहनों की जांच करने पर तकरीबन 16 लाख रुपयों की 2400 लीटर अवैध शराब को जब्त किया गया है। इस कार्यवाही में 191 लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। इसी के अलावा ट्रकों में भी जाँच में तकरीबन 37,000 किलो अवैध महुआ जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में मॉनसून पर इन दिनों ब्रेक लगा हुआ है, इसकी वजह से पारा 5 डिग्री तक बढ़ गया है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में बारिश की थमने की वजह से गर्मी बढ़ने लगी है और अधिकतम तापमान में सामान्य से लेकर 5 डिग्री तक की बढ़त जो है रिकॉर्ड की गई है। नमी तेजी से घट रही है और उमस इधर बढ़ रही है। मौसम में ऐसे ही बदलाव रहने की संभावना है। हालांकि बस्तर संभाग में कहीं कहीं पर बारिश की भी संभावना है। बाकी जिलों में बात करें तो जिलों में जो है तापमान बढ़ने के आसार हैं। रायपुर सहित कई जगहों पर बीते दिन का दिन भर धूप खिला रहा, उमस भरी रही और गर्मी की वजह से लोग परेशान होते रहे। रविवार को प्रदेश में धमतरी का तापमान सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, जहां 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया। रायपुर का अधिकतम तापमान इन दिनों 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अमित शाह का दौरा छत्तीसगढ़ एक बार फिर से होने वाला है। कि मिली जानकारी के मुताबिक बात करें तो 1 से लेकर 2 सितंबर तक अमित शाह रायपुर में रहेंगे, जहां चुनाव के मद्देनजर नेताओं के साथ बैठक होगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे, जिसके दूसरे दिन ही बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई थी, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करने के लिए बीजेपी के यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अमित शाह आ रहे हैं। बीजेपी जल्द ही एक दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। इसके अलावा बात करें तो यहां पर जो है लगातार अमित शाह का दौरा इन दिनों देखने को मिल रहा है और जल्द ही इसके अमित शाह के दौरे के तुरंत बाद यहां पर बीजेपी की दूसरी लिस्ट फाइनल होगी।
छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के पहले ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर सियासत होनी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा तथा छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के निवेदन पर मुलाकात के लिए समय मांगा है। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है कि 27 अगस्त 2023 को रायपुर में आयोजित ओबीसी महासम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा तथा छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ ने मुझसे निवेदन किया है कि वे अपनी लंबित मांगों को लेकर आपसे भेंट करना चाहते हैं, इसीलिए प्रतिनिधिमंडल से भेंट करने के लिए समय और मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए यहाँ पर पत्र लिखा गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को निमंत्रण भेजा गया है। यादव समाज के सदस्यों ने इनको पगड़ी पहना करके निमंत्रण भेजा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निमंत्रण को स्वीकार किया, बोले आऊंगा, जगदलपुर में यहां पर कार्यक्रम होने वाला है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आएंगे। 7 सितंबर से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और 12 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। बात करें तो यादव समाज के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है, जहां मुख्यमंत्री ने निमंत्रण को स्वीकार भी किया है। यादव समाज के जिलाध्यक्ष बलराम यादव और युवा मंच के अध्यक्ष रोहित यादव ने बताया है कि हमारे साथ समाज का एक प्रतिनिधिमंडल रायपुर पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल ने बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की, पारंपरिक रूप से पीले रंग का साफा पहनाया और कार्ड दिया गया। मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने आमंत्रण को स्वीकारा और होने का आश्वासन भी दिया। शिक्षा विभाग की एक विशेष पहल शुरू हो रही है, जहां पहली बार सरकारी स्कूलों में मंथली टेस्ट होने वाले हैं, जिसका प्रयोग रायपुर के जो है स्कूलों से शुरू होने वाला है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों में मंथली टेस्ट यानी कि हर माह एक टेस्ट का आयोजन करने जा रहा है। अभी स्कूलों में वीकली टेस्ट होते हैं, इनमें से एक वीकली टेस्ट को खत्म कर उसकी जगह पर मंथली टेस्ट होगा। ये पूरे माह में पढ़ाए गए कोर्स पर लिया जाएगा। और इधर रायपुर जिले में हिंदी और अंग्रेजी मीडियम को मिलाकर सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं में कुल मिलाकर 50,000 बच्चे हैं, इसीलिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत रायपुर से होगी। मंथली टेस्ट के पर्चे बोर्ड की परीक्षाओं के कक्षाओं के लिए पूरे जिले में एक जैसे बनाए गए हैं, ताकि शहरों से लेकर के गांवों तक के स्कूलों में बच्चों के पढ़ाई का स्तर पता चले और इससे यह भी स्पष्ट होगा कि अलग अलग इलाकों में किस तरह के सुधार की जरूरतें हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उड़ान सेवा पर जल्द ही ग्रहण लग सकता है, क्योंकि एलायंस एयर की सुविधाएं यहां पर ठप पड़ सकती हैं। बस्तर वासियों के लंबे समय की मांग के बाद जगदलपुर में शुरू की गई उड़ान सेवा पर ग्रहण लग सकता है। बीते अगले महीने 21 सितंबर को एलायंस एयर की कंपनी से हुई अनुबंध खत्म होने जा रही है। ऐसे में अब तक अनुबंध बढ़ाने के लिए कोई भी पहल नहीं की गई है। इसी के चलते ये माना जा रहा है कि बस्तर से उड़ान भरने वाली एकमात्र एलायंस एयर की फ्लाइट भी बंद होने की कगार पर है। दरअसल 3 साल पहले 21 सितंबर 2020 को एलायंस एयर ने बस्तर से अपनी 72 सीटर विमान सेवा की शुरुआत की थी और जगदलपुर से हैदराबाद व जगदलपुर से राजधानी रायपुर के लिए हर रोज उड़ान भरी जा रही थी। हवाई सेवा का लाभ भी ले रहे बस्तर वासियों का भी इस एलायंस एयर कंपनी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 21 सितंबर को 3 साल के अनुबंध खत्म होने के कगार पर है, जिसको बढ़ाने के लिए अब तक स्थानीय स्तर पर कोई पहल नहीं की गई है, जिसके चलते बस्तर में हवाई सेवा ठप होने की कगार पर पहुंच गई है। दुर्ग जिले में रोजगार मेले का आयोजन लगने वाला है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज में 831 पदों के लिए सीधी भर्ती होने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मेगा रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें 14 नामी कंपनियों में 831 पदों के लिए सीधी भर्ती की जाएगी। इस मेगा रोजगार मेले में ITI और डिप्लोमाधारी युवाओं को नौकरी दी जाएगी। 2 सितंबर को भिलाई के एक निजी कॉलेज में इस मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। दुर्ग जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा सृजन रोजगार अंतर्गत जिले में ITI और डिप्लोमाधारी आवेदकों के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध किए गए रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस मेगा रोजगार मेले का आयोजन 2 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से संजय रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज कोहका भिलाई में किया जाएगा।
शिक्षकों की कमी की वजह से छात्र यहां पर आक्रोशित होते नजर आए, जहां पर चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन किया गया। मामला कोंडागांव जिले का है, जहां स्कूलों में शिक्षकों की कमी की वजह से नाराज छात्र छात्राओं ने जम करके यहां पर प्रदर्शन किया और ओडिशा मार्ग को बाधित कर दिया। इसके अलावा माकड़ी विकास खंड के आनंदपुर हाई स्कूल की छात्र छात्राओं ने ये प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय को सीधे ओडिशा से जुड़ने वाली स्टेट हाईवे को बीती सुबह को जाम कर नारेबाजी करते रहे। हालांकि सूचना पाकर पहुंचे अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को जैसे तैसे करके समझाया और फिर आश्वासन के बाद वे अपनी कक्षाओं की ओर वापस लौट आए। और अब खबर रायपुर से आ रही है, जहां जुलूस में हथियार लहराने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों का ही सड़क पर जुलूस निकाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों पूर्व जुलूस के दौरान कट्टा पिस्टल और तलवार लहराने वालों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो वायरल में खुलेआम खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको लेकर लोगों ने पुलिस पर सवाल उठाना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद पुलिस अब हरकत मोड पर नजर आई। इसके मामले को लेकर जो है पुलिस ने 5 नाबालिग समेत कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला है, ताकि लोगों में भय खत्म किया जा सके। साथ ही बात करें तो बीते 3 दिवस पूर्व रायपुर के ईदगाह भाटा में जुलूस निकाला गया था, और इस दौरान कुछ लोग खुलेआम हथियार लहरा रहे थे, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने कुल मिलाकर 18 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। ईडी की कार्यवाही पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हल्ला बोल सामने आ रहा है, जहां दफ्तर का घेराव इनके द्वारा किया गया। रमन राज में हुए घोटालों की जांच के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही को लेकर के कांग्रेस ने रायपुर के ईडी कार्यालय में हल्ला बोला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस के ईडी का दफ्तर का घेराव इन्होंने किया, धरना प्रदर्शन किया गया, और इस दौरान ईडी और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसी के बाद कांग्रेस ने रमन सरकार में हुए कथित घोटाले को लेकर ईडी को ज्ञापन सौंपा और जांच करने की मांग की गई। इस दौरान रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर, कांग्रेस नेता सन्नी अग्रवाल सहित भारी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इसके अलावा यहां पर खबर आ रही है, प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा रमन सिंह की सरकार के दौरान कुल 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ, 6200 करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाला, 1,000 करोड़ का रतन जोड़ घोटाला हुआ था, और इन तमाम घोटालों में सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, और इन तमाम घोटालों की जाँच के लिए ईडी को ज्ञापन इन्होंने सौंपा। सीमा के बाहर विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं, ये कहना है डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का, जिन्होंने कहा कि किसी ने मुझ पर जान के खतरे का आरोप लगाया, वहां समझौता नहीं हो सकता। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के घमासान के बीच उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि एक सीमा के बाहर विरोध स्वीकार नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में किसी ने मुझ पर जान के खतरे का आरोप लगाया, वहां पर समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने आगे क्या कहा, लोग जाने पार्टी जाने, मेरी तरफ से समझौता नहीं होगा। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बीते दिन बलरामपुर जिले के दौरे पर थे और राजपुर में हुए भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि मुझे जितना गरियाना हो गरिया लो, लेकिन महाराज साहब और महारानी साहिबा को सार्वजनिक मन से कोई कुछ बोलेगा तो समझौता नहीं हो सकता। व्यक्तिगत तौर पर मेरे बारे में कई लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने कभी उसे राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आने दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ में सीमा पार कर किसी ने मेरे ऊपर जान के खतरे का आरोप लगाया, वहां समझौता नहीं हो सकता। गेड़ी दौड़ में मंत्री जो है मरकाम जो है प्रथम आ गए, पीछे यहां पर अफसर नजर आए। सरपट आगे निकल करके यहां पर गेड़ी दौड़ में भाग लेते हुए मोहन मरकाम नजर आए। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और कोंडागांव विधानसभा से एमएलए मोहन मरकाम ने गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। दूसरे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ करके उन्होंने फिनिश लाइन को सबसे पहले छू लिया और अव्वल रहे। इधर उनकी पत्नी को रस्सा खींच प्रतियोगिता में हार का सामना करना पड़ा। रस्सा खींचते वक्त जब मरकाम की पत्नी नीचे गिरी तो उन्होंने जमकर ठहाके लगाए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। इधर कोंडागांव जिला में जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का यहां शुभारंभ हुआ था, और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद जो है मोहन मरकाम ने अपनी पत्नी के साथ हिस्सा भी लिया, जहां छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के खिलाड़ियों का मोहन मरकाम ने जो है यहां पर जो है प्रदर्शन के माध्यम से
सांसद सुनील सोनी के कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। गिरफ्तारी की मांग को लेकर के जो है सोनी यहां पर धरने पर बैठ गए। दरअसल बीरगांव में एक कॉलेज में सांसद सुनील सोनी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कॉलेज के छात्र और छात्राएं मौजूद थे। इस कार्यक्रम के बीच अचानक से हंगामा मच गया। बता दें कि सांसद सुनील सोनी के कार्यक्रम के बीच यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और जमकर बवाल करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि सांसद से गाली गलौज और बदतमीजी भी की गई। ये कार्यक्रम बीरगांव के कॉलेज में चल रहा था। मामला इतना गर्मा गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता गाली गलौज और बदतमीजी पर उतर आए। इस धमाकेदार हंगामे के बाद सांसद सुनील सोनी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। अंतिम बड़ी खबर, जहां ऑनलाइन सट्टा ऐप की छत्तीसगढ़ में कोई ब्रांच नहीं, कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। दरअसल खबर आ रही है कि यहां पर ईडी तमाम मामलों को लेकर के यहां पर जांच कर रही है। इसी में ऑनलाइन सट्टे के मामले में ईडी की कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इसकी कोई ब्रांच नहीं है। जो सट्टा खिलाने वाले हैं वे जरूर यहां के हैं। सीएम बघेल ने यहां बताया कि 30 मार्च 2022 को इस मामले में पहली एफआईआर दुर्ग में की गई थी, फिर रायपुर, बिलासपुर और सभी जगहों पर 72 मामले रिकॉर्ड किए गए छत्तीसगढ़ पुलिस ने, जहां 449 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी कार्यवाही अब तक नहीं हुई, लेकिन कार्यवाही करने वालों पर ही मामले में शामिल होने का आरोप लग रहा है। सीएम ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि दिल्ली, गोवा और मुंबई के अलग अलग जगहों पर हुई और अब तक कुल मिलाकर 196 लैपटॉप, 885 मोबाइल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अभी तक जब्ती किए जा चुके हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक पहुंचा सकें।